हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लाल बहादुर फ्रॉम भास्कर से। मैं आज एक बच्चा लोग को चाइल्ड केयर के बारे में डिस्कशन करूँगा। 9 स्टेप्स या 10 स्टेप में रहेगा, इसमें आपको डिस्कशन करूँगा। तो बच्चा लोग को या तो स्टूडेंट को, छोटे छोटे बच्चा लोग को कैसे उनको प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है, या करने से उनका हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट अच्छा रहता है और हर बच्चा एक्टिव या हेल्थी रहता है। चलिए मैं उनको आज डिस्कस करते हैं 10 सीक्रेट टिप्स के बारे में। फर्स्ट है, आपको ब्रश एवरीडे 2 टाइम ब्रश करना बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा लोग को। बच्चा या तो बड़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। नंबर 2 में आता है, आपको एक सावर लेना बहुत ज़रूरी है। एवरीडे सावर लेना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 में आता है, आपको नैपकिन आप कोई बाहर आउटसाइड जाते हो तो बच्चा के पास नैपकिन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो शर्ट में या तो कपड़े में या तो किसी उसमें क्लीन कर लेते हैं। वेरी बैड हैबिट है, गुड हैबिट है आपको नैपकिन या तो टिश्यू से यूज़ करना। नोज, बहुत सा बच्चा लोग का बैड हैबिट है कि कोई किधर भी जाते हैं तो नोज में, ईयर में, आई में, माउथ में, हेयर में फिंगर टच करने का आदत रहता है। वेरी बैड हैबिट है, ये सब नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट है। उसके बाद आता है, आपको वॉश योर हैंड्स। बच्चा लोग एवरीडे वॉश योर हैंड करना पड़ता है। खाने से पहले, खाने से बाद, ये दोनों टाइम आपको योर हैंड्स बहुत अच्छा से, वो भी हैंड वॉश जल नहीं करना है, आपको प्रोसीजर में करना है। करने के बाद आपको ड्राई करना पड़ेगा। आता आपको टेक सावर आफ्टर क्लीनिंग। बच्चा लोग क्या करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद कोई भी बच्चा लोग नहाते हैं, उसको आती है अच्छा से क्लीनिंग नहीं करते। नोज में, ईयर में, या तो माउथ में, या तो आई में, हेयर में क्लीन नहीं करते। ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ड्राई रहने से अच्छा रहता है। और ये बॉडी का पानी, कोई के बच्चा लोग बिना बॉडी का पानी साफ सुथरे के भी कपड़ा डाल देते हैं, या फ्रेश कपड़ा डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, दूसरा में 7 नंबर में आता है, आपको स्नैचिंग। 7 नंबर में आता है, आपको स्नैचिंग करते समय, बच्चा लोग को स्नैचिंग करते समय एक क्लॉथ या तो नैपकिन या तो जो अपना सर्कल से 6 फीट का डिस्टेंस में करना बहुत ज़रूरी है स्नैचिंग करते वक्त, क्योंकि स्नैचिंग बहुत डेंजर फ्लू है या तो बैक्टीरिया है, दूसरा को ट्रांसफ़र हो सकता है। इसीलिए वो थोड़ा डिस्टेंस में जाकर स्नैचिंग करना बहुत अच्छा है। उसके लिए भी या फ्रेंड सर्कल के लिए भी या घर का फैमिली का सर्कल्स के लिए भी। अच्छा ओके, 9 नंबर में आता आपको लास्ट पॉइंट 9 नंबर है द नेल कट्स। बच्चा लोग क्या करते हैं कि नेल कट जो है, नेल जो है वो नेल कटर से नहीं काट कर माउस से काटते हैं। बहुत सा बच्चा लोग देखते हैं, या तो कभी कभी हम लोग घर में भी करते हैं कि नेल से नहीं काट कर माउस से काटते हैं। ये वेरी बैड हैबिट है। ये आपको नेल से ही, नेल कटर से ही आपका फिंगर या तो नेल काटना चाहिए, फिंगर का नेल काटना चाहिए, क्योंकि नेल अगर माउस से काटते हैं तो उसमें जितना बैक्टीरिया है, जर्म रहता है, उसमें आपको माउथ के अंदर से, माउथ के अंदर में जाता है, तो इसमें आपको पॉइजनस या तो कोई भी डिसेस ग्रोथ करने में काम आता है, सपोर्ट मिलता है। ओके, ये मेरा 9 स्टेप्स था आपके लिए। और 10 नंबर में कि खांसी करते वक्त, खांसते वक्त, कॉफिंग करते वक्त कोई कपड़ा या तो कोई क्लॉथ से आपको माउथ को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये मेरा आज 10 सीक्रेट टिप्स था। थैंक यू। मैं दूसरा टिप्स बनाता हूँ।